हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं बाहर, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। तो मुझे लगा आपको भी दिखाने ले चलती हूँ, दिखाती हूँ आपके वहाँ कैसा है, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ कैसी होती हैं। और तो चलिए आपको ले चलती हूँ। हम लोग यहाँ से बस लेंगे और 1 आवर लगेगा यहाँ से जाने के लिए। तो देखिए वेदर कितना अच्छा है, इट्स ऑलमोस्ट समर हियर और टेम्परेचर अभी 22-23 डिग्री है। तो गाइज अभी हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, तब तक मैं आपको आसपास का कुछ दिखा देती हूँ। ये देखिए कार्नेगी एलिमेंट्री स्कूल है, यहाँ पे एजुकेशन 1-12 फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो ये हमारा अपार्टमेंट है वॉशिंगटन गार्डन्स, जिसके जस्ट सामने है। हम लोग बस में हैं और हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को 1 घंटे लगेंगे। स्टे ट्यून्ड। तो गाइस हम लोग आ गए हैं डाउनटाउन और यहाँ मैं अपने बस कार्ड का रिचार्ज करने जा रही हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि रिचार्ज कैसे करते हैं। ये यहाँ का डाउनटाउन है, यहाँ बस का रिचार्ज करते हैं। ये मेट्रो स्टेशन है यहाँ का। ये यहाँ का मेट्रो स्टेशन है और ये बस स्टैंड है। मैं जा रही हूँ रिचार्ज करने, चलिए आपको दिखाती हूँ। यहाँ मशीन नहीं है रिचार्ज की, तो ऊपर चलते हैं। चलिए देखते हैं। रिचार्ज कर लिया मैंने। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए कितनी पुरानी ओल्ड घड़ी है ये और बहुत ही सुंदर लग रही है। ये यहाँ का डाउनटाउन है, सारे ऑफिसेज यहीं रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया से दूर। रेजिडेंशियल एरिया अपटाउन रहता है और डाउनटाउन में सारे ऑफिसेज रहते हैं, आईटी या फिर कोई भी ऑफिसेज सारे यहीं रहते हैं। काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, ये यूनियन ट्रस्ट बिल्डिंग है ये, और ये भी कोई, दिस इज फ्रिक बिल्डिंग, ये भी बहुत ही ओल्ड लग रही है। तो गाइस ये यूपीएमसी की बिल्डिंग है और
ये भी एक ऑफिस है। ओह नो, यहाँ का मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे ऑफिसेस का एरिया एकदम अलग है, कहीं भी ऑफिसेस को नहीं बना दिया गया है, डाउनटाउन में ही सारे ऑफिसेस हैं। तो इससे क्या होता है कि जब भी लोग ऑफिस आते हैं तो ऑफिस आर में एक ही डायरेक्शन में सब चलते हैं, कहीं इधर से उधर नहीं, तो ट्रैफिक कंट्रोल में रहता है, रेजिडेंशियल एरिया अलग है तो ऑफिस। हाँ तो गाइस, मैं बता रही थी कि यहाँ का ये कॉन्सेप्ट कि डाउनटाउन में ऑफिसेज तो ट्रैफिक कम रहता है ये अच्छा है, और रेजिडेंशियल एरिया जो होते हैं वहाँ भीड़ कम रहती है, तो ये पार्ट यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ का एक कोर्ट है, ओल्डेस्ट कोर्ट है। तो हेलो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं यूनिवर्सिटी एरिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो सेंट्रल लाइब्रेरी है, और रुकिए आपको दिखाते हैं। और ये बड़ी बिल्डिंग जो आपको दिख रही है ये कैथेड्रल ऑफ लर्निंग है। ये मेरे पीछे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे कि इंडिया में भी यूनिवर्सिटी एरिया के आस पास काफ़ी स्टूडेंट्स और स्टॉल्स लगे रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर है। ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, जो सामने बिल्डिंग दिख रही है। तो ये सारे स्टूडेंट्स ही हैं, दिखाती हूँ आप। इंडिया में भी ऐसा ही होता है कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एरिया में पढ़ाई करते हैं, चिल करते हैं, वैसा ही यहाँ भी है। एक सिटिंग एरिया है, गार्डन एरिया, लोग कितना धूप ले रहे हैं देखिए, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी इससे पहले, अभी यहाँ समर आया है तो सब धूप में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग का लोगो प्रिंट हुआ, टी शर्ट, लोअर्स, जैकेट ये सब मिलते हैं। दिस इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, कैथेड्रल ऑफ लर्निंग। तो गाइज, ये पूरा एरिया ही यूनिवर्सिटी एरिया है, यहाँ पे लाइब्रेरीज और फूड कोर्ट और सारी चीज़ें हैं, और मेन सेंटर पीस मेरे पीछे आप देख रहे हैं कैथेड्रल ऑफ लर्निंग है। ये 42 स्टोरी की बिल्डिंग है, और अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, कंप्यूटर लैब्स, लैंग्वेज लैब्स, फूड कोर्ट भी अंदर है। तो ये काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग है, और 29 फ्लोर तक क्लासरूम्स हैं, उसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग एजुकेशनल पर्पज़ की अगर बात की जाए तो, फर्स्ट जो है वो मॉस्को में है। तो ये पूरा यूनिवर्सिटी एरिया ही है, देखिए काफ़ी क्लीन है। ये जो मेरे पीछे ये बिल्डिंग है ये चर्च है, जो कि आपको काफ़ी टॉल एंड ओल्ड बिल्डिंग है, और अभी इसमें डोर पेंट हो रहा है शायद। तो देखिए ये पूरा यहाँ का वेदर कितना अच्छा है, और काफ़ी बड़ा एरिया है, क्लीनिंग भी हो रही है। इस एरिया को ओकलैंड एरिया बोलते हैं। तो गाइज, अगर कोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ यूनिवर्सिटी है जैसा, तो सारे ही कोर्सेज हैं, लैंग्वेज, आर्ट्स, कंप्यूटर, बिजनेस मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, लेकिन ये मोस्ट फेमस है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए और इंजीनियरिंग के लिए। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग मुझे कमेंट्स में बताएं, और मैं आगे भी ऐसे व्लॉग्स बनाती रहूँगी, कहीं भी मैं घूमूंगी या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन होगा
तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। Oh,